जनपद रुद्रप्रयाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। इसी क्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह और विधायक भरत सिंह चौधरी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में जनपद में सभी विकास खंड में प्रचार प्रसार के लिए रथ गांव गांव तक भ्रमण करेगा। वहीं विधायक भारत सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई। संकल्प ले लिया है, संकल्प हमने पहले ही ले लिया है और हमसे भी पहले जो संकल्प इस देश के राष्ट्रनायक ने लिया है, इस देश के प्रधानमंत्री ने लिया है और आज तक अपने 9 साल लगभग 10 साल के कार्यकाल में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो भी संकल्प उन्होंने लिया उसको साकार किया है। चाहे 10 लाख परिवारों को उज्ज्वला के माध्यम से रसोई गैस गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने की बात हो, चाहे देश के 55 करोड़ लोगों तक जो 5 लाख रुपए की अटल आयुष्मान योजना है, मैं हर मंच से इस बात को कहता हूँ कि हम चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, 5 लाख रुपए अपने घर में कोई नहीं रखता इस बात के लिए कि जब मैं बीमार होऊंगा तो 5 लाख रुपए खर्च करूंगा, लेकिन आज हर जरूरतमंद के पास 5 लाख रुपए की गारंटी है कि उसके परिवार के 1 साल में 5 सदस्यों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किसी भी अस्पताल में हो और उसके अंदर अटल आयुष्मान के अंदर। जैसे कि आप सब जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 15 नवंबर को ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और इसी कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम लगभग 2 महीने तक चलेगा और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है ये उद्देश्य है कि हम किस प्रकार से अपने देश की जो हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो लाभार्थियों तक कैसे पहुंचे, जो पात्रों तक कैसे पहुंचे, तो इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक हमारे देश के कोने कोने पे इन गाड़ियों को रवाना किया गया है और 2047 तक भारत का संकल्प है कि हम इस देश को, इस राष्ट्र को एक मजबूत दृष्टि से बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी हार्दिक धन्यवाद। आप लगातार इस राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लगे हैं, इसी प्रकार आगे हम सबका संकल्प है कि हम जनपद स्तर पर भी इस प्रकार की योजनाओं का हमारे कर्मचारियों के माध्यम से प्रचार प्रसार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद का शुभारंभ आज हमारे जनपद रुद्रप्रयाग में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय क्षेत्रीय विधायक जी की गरिमामय उपस्थिति में, समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और क्षेत्रीय नागरिकों की उपस्थिति में किया गया।